पुलिस विभाग ने मनाया महिला दिवस, साथ ही साथ किया महिला पुलिस कर्मियों का सम्मान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पुलिस मुख्यालय पर हुआ कार्यक्रम जिसमें जिले के महिला पुलिस कर्मियों का सम्मान किया गया। इस मौके पर गुना पुलिस अधीक्षक ने अपने विचार रखे। वहीं CSP नेहा पचीसिया ने अपनी बात रखते हुए बताया कि किस तरह से महिलाओं के साथ उत्पीड़न किया जाता है, साथ ही साथ उन्होंने महिला उत्पीड़न की घटनाओं को निंदनीय बताया। उन्होंने बताया कि घर में किसी महिला के द्वारा खाना पकाए जाने पर उसकी कमियां निकालना भी घरेलू हिंसा का ही एक हिस्सा है, साथ ही साथ महिलाओं को साथ ना रखना और उनसे कोई भी सलाह मशवरा ना करना यह भी हिंसा का ही एक इच्छा माना जाता है। इस दौरान CSP नेहा पचीसिया ने अपने अनुभव भी साझा किए, साथ ही साथ मंच पर उन्होंने कहा कि हमेशा ये देखा जाता है अगर कोई लड़का अपने से कम कमाने वाली या कम ओहदे वाली लड़की से शादी कर ले तो उसकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई महिला अगर अपने से कम कमाने वाले या कम ओहदे वाले से शादी कर ले तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए उन्होंने अपने ही बैचमेटों का उदाहरण भी दिया। क्या आपको सुनना और उसका निराकरण करना, जिले में सर्वश्रेष्ठ इनका प्रदर्शन है या जो सोच होनी चाहिए वो खुद के दिमाग में होना चाहिए कि हम कभी भी हम ये ना सोचे कि हम महिला हैं या महिला कर्मचारी हैं या किसी भी रूप में हम किसी से भी कम हैं कमजोर हैं। बहुत सारी बातें बोली आप लोगों के द्वारा, आप लोगों ने कई सारी बातें मुझे बताई, पर मैं ये कहना चाहूँगा सब कुछ दिमाग से शुरू होता है। यदि हम ये महसूस कर लेंगे कि हम किसी चीज़ में कम हैं कमज़ोर हैं या अपने मन में किसी प्रकार का इनहिबिशन हम ले आएंगे तो फिर वहीं से अपने आप बाकी सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं, फिर पुरुष महिला कोई भी हमको कमज़ोर समझने लगता है। हम यदि अपने काम में यदि वो भावनाएं नहीं झलकाएंगे, अपने मन में वो चीज़ नहीं रखेंगे तो कहीं पर भी वो किसी भी रूप में नहीं रहेगा और कोई भी व्यक्ति किसी भी बात का ये भेदभाव नहीं करेगा कि आप महिला है कि आप पुरुष है या किसी बात का नहीं होगा। मेरी वाइफ खुद कलेक्टर है अभी और मेरी एक बेटी भी है, मेरी बहन भी है और मैंने अपने परिवार में देखा है, मैंने अपने वाइफ के परिवार में देखा है, हमारे रिश्तेदार हैं, मतलब जितना भी मैंने क्लोजली देखा है तो किसी प्रकार का कोई भेदभाव या कोई अंतर नहीं रखा गया है और ये धीरे धीरे जो समाज में बदलाव आ रहा है ये बहुत अच्छा है डे पे, और मैं चाहूंगा कि ये भी बड़े होके पुलिस में ही आए। तो ये या कोई कमेंट बाजी करे बाय चांस को छोड़ के, गुना का माहौल तो बहुत अच्छा है और गुना में मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। लाना है ये लाना है वो लाना है तो इस लिंक से हटके हम लोग कुछ अलग है और सोसाइटी में कुछ अलग करना है, इसके लिए हमको घर से ही संघर्ष और कंपटीशन शुरू करना पड़ा। बाकी डिस्क्रिमिनेशन तो बाद में होता है लेकिन हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन शायद माँ की कोख में आते ही हो जाता है कि क्या है भाई, लड़का है कि लड़की है, सबसे पहले ये, फिर जब वो हो जाता है तो लड़का है तो अच्छा अच्छा न्यूट्रिशन देना है, प्रोटीन की जरूरत लगेगी, घर घर में बहू लेकर आएगा, घर का वारिस है, वही लड़की है तो इसका तो काम चल जाएगा और ये ऐसी बड़ी है कि जाके उनको डिस्क्रिमिनेट कर दे। और व्हेन मदर स्टार्ट टीचिंग, जब माँ कहते हैं ना मदर इज द फर्स्ट टीचर, जब माँ अपने लड़कों को समझाने लगेगी कि जिस तरीके से ये तुम्हारी बहन है, सामने रोड पे जा रही लड़की रात में वो भी तुम्हारी बहन है, उस दिन से इस देश में बलात्कार होने बंद हो जाएंगे, क्योंकि वो माँ ही होती है जो कहती नहीं तू बेटा है तू ये कर सकता है वो कर सकता है, वही है वो ज्यादा जो शेयर देती है। तो व्हेन वी आर सेल्फ डिसाइड कि हमको ये सब नहीं करवाना है, हमको इक्वल ट्रीटमेंट देना है, हमको अगर लड़की को बोलना है कि ये नहीं पहनना है तो लड़के को भी बताना है, अगर लड़कियां 9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकती तो लड़के भी नहीं जाएंगे, और लड़का निकल रहा है तो लड़की शुड रोम इंडिया।